हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूजर आईडी बनाना पड़ता है। अगर आपने अभी तक अपना यूजर आईडी नहीं बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल बैंकिंग से अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका यूजर आईडी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यूजर आईडी अपने मन से रखना है, वही यूजर आईडी आपको मिलेगा। इसके लिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको 5 दिन के बाद आपको ईमेल में आपका जो यूजर आईडी है वो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपना यूजर आईडी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किया है, तो मोबाइल बैंकिंग आप घर बैठे एक्टिवेट कर सकेंगे, उसका वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहां पर हमको अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट सर्विस पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आप सबसे नीचे आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा प्रेफर्ड यूजर आईडी। तो उसके नीचे आपको 3 यूजर आईडी आपको अपने मन से बनाना है, वही आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी बन के आएगा आपके मेल पे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, तीनों में भर देना है आपको अपने मन से, यूजर आईडी अपने मन से बना के यहाँ पर फिल करना है। आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है उस टाइप का यूजर आईडी बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यूजर आईडी भर दिए हैं। आप नीचे आप देख सकते हैं प्रोफाइल टाइप। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तीनों यूजर आईडी भर दिए हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं प्रोफाइल टाइप, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप यहां पर व्यू ओनली और ट्रांजैक्शन राइट दोनों में से एक पे क्लिक कर देंगे। अगर व्यू ओनली करना चाहते तो उस पर कर दें, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते तो उस पर कर दें। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, ओके पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, अपना डिटेल यहां पर चेक कर लेंगे। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो आपका मोबाइल बैंकिंग का एम पिन है, उसे यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो यूजर आईडी का रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और 5 दिन के बाद आपके ईमेल आईडी में एक यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। 3 यूजर आईडी आप बनाए हैं तो उसमें से एक यूजर आईडी आपको मेल में प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने नेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी बना सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग से। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करेंगे घर बैठे अपने अकाउंट पे, कैसे करना है। अगले वीडियो में आपको वो जानकारी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन आप दबा कर रखें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलते रहेगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।